आईपीएल का 13 मैच सीएसके और दिल्ली के बीच खेला गया। दिल्ली की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। दिल्ली के ओपनर्स ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी। इस मैच में पृथ्वी शॉ ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 23 गेंदों में 23 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसके साथ ही डेविड वार्नर ने भी 3 छक्कों की मदद से 35 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। इन दोनों की पारी के बाद दिल्ली टीम के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने भी रन बनाए। ऋषभ पंत ने इस मैच में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 32 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। लेकिन दिल्ली टीम के लिए निचले क्रम के बल्लेबाजों में कोई बल्लेबाज ठीक के नहीं खेल सका, लेकिन फिर भी दिल्ली टीम ने 20 ओवर में 151 रन बना डाले और इस मैच में सीएसके टीम के लिए महेश पत्राणा ने 3 विकेट नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आगे 192 रन का पीछा करने के लिए सीएसके की टीम के ओपनर मैदान पे उतरे, लेकिन सीएसके की टीम के ओपनर इस मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में कमाल की पारी खेली। रहाणे ने 2 छक्के और 5 चौके में 30 गेंदों में 45 रन की पारी खेली। रहाणे के बाद डेरिल मिचेल ने भी 26 गेंदों में 36 रन की पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन टीम के अन्य बल्लेबाजों ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी सीएसके की टीम के लिए एमएस धोनी ने एक बार फिर से फिनिशिंग का रोल अदा किया। धोनी ने इस मैच में 3 गगनचुंबी छक्के मारे। इसके साथ धोनी ने 16 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। इस मैच में धोनी अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए, लेकिन धोनी की इतनी खतरनाक पारी के बाद भी सीएसके की टीम यह मैच नहीं जीत सकी और सीएसके की टीम ने 20 ओवर में 171 रन बनाए। दिल्ली की टीम के लिए खलील अहमद ने 4 ओवर में 2 विकेट अपने नाम किए, जिनके लिए खलील अहमद को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें और दोस्तों से शेयर भी कर दें इसको।